कि जितनी भी अवेयरनेस तक हम जितनी भी मतलब हमारी स्कीम है, कौन क्या है, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो या चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हमारे हैं, उन स्कीमों की जानकारी हम अपने एसटी बरादरी के साथ शेयर करें ताकि वो वक्त पर इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए। ख़ासतौर पर आज हम यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम के लेकर आए हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि हमारे पास जो जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम है इनका लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022। हम चाहते हैं कि 20 दिसंबर 2022 से पहले पहले हमारे बच्चे इन स्कीमों से मुस्तफादा हो जाए, इन स्कीम या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हमने 182,000 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बच्चों में अगर ऐसी स्कॉलरशिप स्कीमें दी हैं, लेकिन आबादी का जो टोटल हिस्सा है उसमें से कोई 33-35% ही लोग या 40-45% ही लोग इन स्कीमों से मुस्तफ़िद। हम चाहते हैं कि 100% कवरेज इसकी मिल जाए, 100% लोगों को अवेयरनेस मिले ताकि वो वक्त पर ही इन स्कीमों से फ़ायदा उठाए। लेकिन जहाँ पे अंदर भी कुछ बातें हुई है कि हमारे जो एसटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको एक कन्फ्यूजन है कि वो यही बोलते हैं कि सर हम अगर अब फर्स्ट से लेकर 8वीं तक फार्म भरते हैं स्कॉलरशिप के में हमें सिर्फ माइनॉरिटी में दिया जाता है। यहाँ मैं आपके ज़रिए एक बात क्लियर उनको करना चाहता हूँ, जितने भी फार्मर्स आप एसटीज़ हैं, चाहे वो गदी हो, चाहे वो सिपी हो, तारदशीना हो या फिर गुजर एंड बकरवाल फैमिलीज, क्योंकि ये हकीकत उनकी बात है कि पहले ये गुजर एंड बकरवाल फैमिलीज़ को मिलता था, लेकिन अब हमने इसमें सारे एसटीज़ को इंक्लूड किया है, जितने एसटीज़ हैं हमारे उनको हमने इंक्लूड किया है, फर्स्ट से लेकर 8वीं तक अब सबको ये स्कॉलरशिप स्कीम मिलेगी। इसका एनहेंसमेंट प्रपोजल गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन है, जैसे हमने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी एनहेंस किया है, हमने जिसमें 4 फार्मेट्स हमारे हैं, ग्रुप ए में हमने जहां बच्चे को अभी तक 30,000 मिलते थे अब हमने ये 30,000 से बढ़ाकर उनको 72,000 रुपये कर दिया, ग्रुप बी में बच्चे को मिलते थे अभी तक 20,000 लेकिन अब ये बढ़ के 64,000 हो गया, इसी तरह से ग्रुप सी में जिस बच्चे को 18,000 रुपये मिलते उसको 43,000 मिलते हैं, इसी तरह से ग्रुप डी में जिस बच्चे को मिलता था अभी तक 10,000 रुपये उसको अब 29,000 रुपये मिलते हैं, और हमने इनको 9th और 10th को भी अब एनएसपी पोर्टल पर रखा है, तो जो फर्स्ट से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं अभी उनका ऑफलाइन है, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया है, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी द सेम विल बी ऑन द एनएसपी। तो बाकी डिशों ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब की भी नोट्स में भी ये चीज लाई है, उन्होंने भी कहां पे हमारी कमी है उन चीजों को देखना चाहिए, हमेशा उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनका इसको हम कंप्लेंट भी बोलेंगे, सजेशन भी बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्टों में अभी हमारे ऑफिसेस नहीं है अभी तक जो मैंने, हमेशा उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनका एहसान मंद भी हूं कि जब भी उनको किसी काल पे यहां बुलाया जाता है वो आ जाते हैं। बाकी जरूरत है अवेयरनेस की हमारे बच्चों में, खासकर से या प्रिंसिपल से उनका फर्ज बनता है कि बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि खंड में हम स्कॉलरशिप स्कीम की बात करने आए हैं, इन स्कीम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप अपने बच्चों में देने ताकि तो अगर ऐसा कुछ मसला है तो मैंने ये नोट की बात की कि कुछ परेशानियां है उधर, कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो रहा है, हमारे पास 400 से ज्यादा है लेकिन उनकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ओवर हियर मिस्टर रियाज अहमद शाह साहब, कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, खैरुन नासि मन यनफउ नास, बिलोव प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।